एक तरफ अद्भुत शौर्य तो दूसरी तरफ आत्मा में उतर जाए ऐसा संगीत। एक ओर सिर कट जाने पर सिर्फ धड़ का दुश्मन को खत्म कर डालने जैसा अदम्य साहस, तो दूसरी ओर वीरता को अमर कर देने वाले कवित्त की रचना और उसकी संगीतमय प्रस्तुति। ऐसे अद्भुत विरोधाभासों की संगम स्थली यदि कोई है तो वो है अतीत का जैसाण यानी आज का जैसलमेर। गीत और संगीत यहां का जीवन है। जैसाण में गायन और वादन की विशिष्ट परंपरा रही है जिसे कलाकारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी न सिर्फ कायम रखा है बल्कि समय के साथ उसमें आधुनिकता का समावेश भी किया है। ऐसे ही एक कलाकार हैं तगाराम भील। तगाराम अलगोजा बजाते हैं। सुशिर यानी हवा से बजने वाले वाद्य यंत्रों के तहत बांसुरी परिवार का सदस्य है अलगोजा। इसमें दो बांसुरियां होती हैं जिन्हें एक साथ बजाया जाता है। इनका निर्माण जिस इलाके में होता था विभाजन के बाद वो इलाका पाकिस्तान में चला गया। जब तक संभव हुआ अलगोजे वहीं से मंगवाए जाते रहे लेकिन बाद में तगाराम इन्हें खुद बनाने लगे। आज तगाराम जितने दक्ष वादक हैं उतने ही दक्ष अलगोजा निर्माता भी। सर मैंने भी शुरू में जब बनाना शुरू किया था तो मेरे को भी नॉलेज नहीं थे। मैंने भी देखा एक हमारे यहाँ को तोताराम करके एक बेलदार था वो बनाता था, तो मैं उसके पास पहुँचा तो उसको पूछा मैंने, कहा यार आप अलगुजे कैसे बनाते हो? तो उन्होंने बोला कि हम कैर की लकड़ी से बनाते हैं। अच्छा अच्छा। तो कैर की लकड़ी से मतलब सूखी में बनता है या गीली में बनता है वो भी मेरे को पता नहीं था। तो मैंने पूछा मेरे को यार कैसे कैर की लकड़ी गीली में तो होल में भी दिक्कत आती है, तो वो कहने गीली में नहीं बनता सूखी में बनता है। तो इसकी क्या कि कैर की लकड़ी जब सूखी होती है ना एकदम 2-3 साल की सूखी लकड़ी होती है तो उसमें बड़ा आसान से बनता है वो। पहले की हाथ का जो ड्रिल होती है मशीन जैसे हाथ से चलाते हैं सुथार चलाते हैं तो उसमें वो तिल्ला डाल के फिर वो हाथ से ही सारा होल का काम सब वो हाथ से होता था। तगाराम को संगीत विरासत में मिला। जैसलमेर के पास मूल सागर गांव के रहने वाले तगाराम के पिता को बहुत शौक था अलगोजा बजाने का। दिन में जब वे अपने पशुओं के साथ खेतों की तरफ निकलते तो बालक तगाराम पिता के अलगोजे बजाने लगता। तब उम्र होगी कोई 5-6 साल। पिता के सामने आने में डर लगता था लेकिन माँ हमेशा प्रोत्साहित करती थी। 10 साल के होते होते तगाराम काफी अच्छा वादन करने लगे, शोहरत फैलने लगी और आज आलम यह है कि तगाराम जर्मनी फ्रांस इटली स्पेन और जापान सहित कई देशों में अपने कार्यक्रम दे चुके हैं। अमूमन इनके कार्यक्रमों की शुरुआत पधारो म्हारे देश से ही होती है। ऐ मेरे वतन के लोगों की धुन जब सभागार में गूंजती है तो हर भारतीय की आंखें नम हो उठती हैं।
कई सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजे जा चुके तगाराम आज समृद्ध भी हैं और बेहद लोकप्रिय भी, लेकिन हमेशा अपनी माटी से जुड़े हुए हैं। अलगोजा एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो पुराने समय में इन रेत के धोरों के बीच में जो भेड़ बकरी चराने वाले लोग हुआ करते थे वो इन वाद्य यंत्रों को बजाया करते थे। और मैं आपको बता दूं कि भेड़ बकरी चराने वाले जब जंगलों में जाते हैं, यहाँ पर निर्जन जो धोरे हैं उनके बीच में कुछ भी नहीं होता है, तो अपने मनोरंजन के लिए कुछ वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करते थे। उन वाद्य यंत्रों में से ही एक वाद्य यंत्र है अलगोजा, और अलगोजा के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार, इनका नाम है तगाराम जी भील, हमारे साथ हैं। तगाराम जी, हम आपका स्वागत करते हैं। और आपसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अलगोजा की शुरुआत कैसे की, आपने कैसे बजाना सीखा, वो थोड़ा बताइए हमको। बचपन की बात है, मैं जब 5-6 साल का था उस टाइम में मेरे पिताजी बजाते थे अलगुजे, तो पिताजी को बजाते हुए देख करके मैंने भी सोचा कि मैं भी बकरियां चराने के लिए मेरे पिताजी भेज देते थे मेरे को, तो मैं पिताजी के अलगुजे को एक अलगुजा उठा के चुरा के लेके जाता था। तो क्या को मेरे पिताजी मानते थे कि ये बच्चा तोड़ देगा, तो मैं उसको चोरी करके लेके जाता था बकरियों के साथ। तो बजाते बजाते मैं खूब मैंने मेहनत की, तो 3-4 साल तक मैंने ये खूब इंटरेस्ट मेरे को बकरियों के साथ में मैंने बजाया। अच्छा, ये बताइए, आप जब आप थोड़ा बहुत सीख गए थे, वो आपको कब लगने लगा कि इसको मैं अपने रोजी रोटी का साधन भी बना सकता हूँ? वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वो मैंने कभी ऐसा मेरे दिल में भी नहीं हुआ था कि मैं ऐसा कलाकार बनने जा रहा हूँ या कुछ करने जा रहा हूँ। मेरे को तो यही लग रहा था कि बस मैं तो बस वो लोग बजा रहे हैं, मेरे पिताजी बजा रहे हैं, तो मैं भी अच्छा, मेरे को अच्छा लगता था, तो मैं भी म्यूजिक से मतलब बहुत मेरे को प्रेम हो गया था, इसलिए मैं वो सीख रहा था। मैं कोई कलाकार बनने के लिए मैंने सोचा सपने में भी नहीं देखा था। जब आप छोटे थे, आपको कार्यक्रम मिला था 15 अगस्त के दिन, वो धुन हमको थोड़ा सा सुना के बताइए, कौन सी धुन थी वो? जो तालरिया मगरिया वाला गीत मैंने पहला सीखा था। हाँ, तो वो सुनाइए। वही की बात, बिल्कुल। तगाराम जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब आपने कार्यक्रम देना शुरू किया था तो कितना परिवर्तन आया? जब पहली बार मेरे को स्टेज पे मैं गया, तो फिर मेरे को लगा कि भी इसको और भी मैं अच्छी तरह से बजाना सीखूं और भी अच्छा बजाना, मेरे को उमंग आया दिल में कि मैं अलगुजे और भी अच्छे अलगुजे मंगाऊँ। तो फिर मैंने धीरे धीरे कोशिश करके एक जोड़ा किसी से खरीदा था, तो कई साल तक वो बजाया था, वो भी क्या कि ज़्यादा बजाने से ज़्यादा टाइम तक ख़राब भी हो जाते हैं, तो मैंने फिर कोशिश किया कि मैं अब खुद क्यों ना सीख जाऊँ बनाना। तो फिर मैं कोशिश करते करते मैं 2-3 साल तक मेहनत की, तब तक जाके तो मतलब आपने बनाना भी इसको सीख लिया है। तगाराम जी, हम आपसे वो ध्वनि सुनना चाहते हैं जो अब हमारे राजस्थान के अंदर जब कोई मेहमान आता है ना, पधारो हमारे देश।
तगाराम के पास कई लोग अलगोजा वादन सीखने भी आते हैं और इनमें कई विदेशी होते हैं। ये पूरे मनोयोग से उन्हें वादन सिखाते हैं। इनका बेटा मुकेश भी इनके शिष्यत्व में ही वादन सीख रहा है। मेरी कोशिश बहुत है, मेरे वैसे बेटे भी सात है, भगवान के सात बेटे हैं, लेकिन वो सारे तो नहीं सीख पाते हैं, लेकिन एक बेटा मेरा मुकेश है, वो सीख रहा अभी। जब ये फ्लूट घर पे रखे हुए थे अलगोजा जैसे फ्री पड़े थे, तब मेरा ध्यान उसकी तरह केंद्रित होता और मैं जो मेरे को अच्छी लगती जोड़ी वो उठा के और मैं बजाने की कोशिश करता। फिर मैं एक जगह केंद्रित होकर एक जगह शांति से बैठकर उसको बजाने की कोशिश करता। कई दिन बजाने के बाद मुझे लगा कि हाँ मैं सीख सकता हूँ। फिर मैंने इसको धीरे 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 पूरा कंट्रोल होने के बाद मैं अपने पिताजी के पास गया, तब पिताजी को कुछ महसूस हुआ कि ये बच्चा कुछ न कुछ सीख सकता है। पिताजी से थोड़ा झिझकता था, दादाजी से मेरा प्रेम ज़्यादा था, तो दादाजी से मैं भी सीखी थी एक धुन। अच्छा अच्छा। और वो मैं बजाता हूँ। अच्छा, वो आप जो प्रोग्राम में जाते हो कभी विदेश में, तो उसको साथ में लेके जाते हो? नहीं, उनको अभी तक तो नहीं ले गया, लेकिन यहाँ इंडिया में तो कई जगह मैं लेके गया हूँ, लेकिन अभी बाहर विदेश में नहीं लेके गया हूँ। मेरी कोशिश है कि अब उनको भी मैं एक बार ले जाऊँगा। अब आप थोड़ा सा हमको वो बताइए, जब आप विदेशों में कला गए हो अपनी कला का प्रदर्शन करने, उस समय वहाँ के कुछ अनुभव आपसे जानना चाहते हैं कि वहाँ के लोग, देखिए हमारी जो भाषा है वो भी अलग है, वहाँ का म्यूजिक तो बिल्कुल ही अलग है, तो इस जो हमारी जो म्यूजिक है उसको किस प्रकार से वो पसंद करते हैं, कैसा लगता है उनको? उनको तो बहुत ही ये अलगोजो का ये देख करके इतना उनको अच्छा लगता है कि ये लोग कैसे बनाया जाता है, वो भी ऐसे पूछते हैं कैसे बनाया जाता है, कैसे आपने सीखा, तो सारा उनको बताते हैं। तब वो तो बहुत बड़े मस्त होते हैं कि यार ये इतना दिखने में बड़ा ईजी है और सीखने में इतना डिफिकल्ट है, मतलब बहुत मुश्किल काम है सीखने में। अच्छा, वहाँ के जो कलाकार होंगे आपने वहाँ देखे, कभी कोशिश की किसके साथ अपनी जो वहाँ के वाद्य यंत्रों को बजाने की कोशिश भी की होगी, कभी ऐसा होगा? कई देशों से मेरे पास यहाँ पर सीख के गए, मेरे घर पे आते हैं। अच्छा। एक एक दो दो महीने की क्लास लेके जाए और वो लोग कलाकार भी बन गए हैं, लेकिन और चार पांच लोग तो ऐसे फ्रांस के, यूरोप के कई लोग हैं जो को मेरे पास सीख के गए, वो कलाकार अभी अपना काम बहुत अच्छे बजा रहे हैं, नाम कर रहे हैं। अच्छा, जब विदेशों में आप कहाँ कहाँ गए हो, कुछ देशों के नाम आपको याद? हाँ बिल्कुल, मैं पहली बार मैं जब 1996 में गया था, तब पहली बार मैं फ्रांस गया था, तो राजस्थान टूरिज्म वाले अपने राजस्थान सरकार की तरफ से गया था। तो उसके बाद में मैंने दूसरे टूर में गया था, तो मैं फिर भी यूरोप गया, तो फिर उस टाइम मैंने 15 देश की यात्रा की थी उस एक साथ में। तो मैं गया था सन 2000 में, उसके बाद में फिर गया तो एक महीना फिर भी मैं यूरोप में रह के आया था। तो काफ़ी मैं पहला मेरा जो यात्रा का दौर था वो मेरा यूरोप का ही था। तो उसके बाद जापान, सिंगापुर, मतलब ताइवान, हांगकांग, सब जगह मैं, रशिया भी गया, रूस भी गया, सब जगह गया मैं। अच्छा तगाराम जी, आप वहाँ पर यूरोप के अंदर गए, तो जब आपका कार्यक्रम नहीं होता था तब घूमने भी निकलते होंगे वहाँ के शहर गाँव, तो वहाँ कभी कोई गाँव देखने का मौका मिला क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे को तो वहाँ के जो लोग हैं ना, बाहर के जो लोग हैं, वो हमारे को बड़ी मतलब इज्जत से और कदर से रखते हैं कि किसी चीज़ की कमी ना आ जाए। हमारे ये विदेशी मेहमान जैसे अपने यहाँ आते हैं तो अपने कैसे कदर करते हैं, तो वहाँ के लोग बहुत कदर, कला की कदर करते हैं। तो वहाँ के गाँव में और यहाँ के गाँव में क्या फ़र्क दिखा आपको, कैसे क्या अंतर दिखा आपको? पहली तो मैंने वहाँ साफ सफाई और कड़ा कानून, ये अंतर दिखा आपको बहुत। अच्छा, एक धुन है आपको हम याद है आपकी, जो कि बहुत मशहूर है, लोग बहुत पसंद करते हैं, पनिहारी। हाँ, तो वो आप थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा सा सुनाइए।
बहुत सुंदर तगाराम जी, मन मोह लिया। आपकी ध्वनि इतनी सुंदर होती है कि मन करता है कि सुनते ही रहें। अच्छा, ये जो अलगोजा के अलावा आपके परिवार में यहाँ पर जैसे गांव वाले पशुपालन करते हैं, खेतीबाड़ी भी करते हैं, और क्या काम काज है आपका, वो थोड़ा बताइए। हमारे इधर खेती बाड़ी तो है ही है, खेती भी है अपनी ऐसी, लेकिन यहाँ पर अभी पानी की जो खेती बाड़ी है वो ट्यूबवेल वगैरह थोड़ा अभी धीरे धीरे लोग यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं है। फिर भी बारिश जब होती है तब हम यहाँ खेती करते हैं। अच्छा, जो आपका मैं अलगोजा देख रहा हूँ, इसमें साइज दो बांसुरियों का साइज दोनों का अलग है, इसका कोई खास कारण है, एक छोटी होती है एक बड़ी, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये जो इसको डेढ़ा जोड़ा बोलते हैं। अच्छा, ये तो एक तो ये पूरा फुल हो गया, तो इसमें अगर राग चेंज करनी पड़ती है तो इसको बंद करने से ऊपर नीचे राग करनी पड़ती है इसका, और ये सिर्फ सरगम बजाने के लिए होती है। अच्छा। जैसे होती है तो अपने को यहाँ बजाना है तो यहाँ इसको बंद करना पड़ेगा, सात से सरगम बनती है। और इसका बड़े वाले का क्या इस्तेमाल हो थोड़ा? बड़े वाला का जैसे अभी ये इसका सा बनता है जनरल, तीन उंगली का। तो जो आपने अलगोजे बनाए उसमें कुछ परिवर्तन किया? ये वही जो सिंध में बनते हैं, पंजाब में बनते हैं, वो के वही, क्या परिवर्तन किया? पंजाब वाले अलगुजे वो तो है, वो छोटी साइज होती है बस, ये इतने ही होते हैं बस। अच्छा। वो दोनों ऐसे करके दोनों हाथों से ऐसे ऐसे कर बजाते हैं, वो तो खाली लहरी बजा सकते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा जैसे क्लासिकल वगैरह नहीं बजा सकते, इसमें अपन क्लासिकल बजा सकते हैं। ये मतलब ये क्लासिकल साज हो गया है, मतलब पहले लोग ऐसे जंगलों में बजाते थे लेकिन अब इसमें क्लासिकल भी बजा सकते हैं। अच्छा, अब जंगलों में जो बजाते थे उसमें क्लासिकल वगैरह नहीं था उसमें, उस टाइम लोकल ऐसे लोकल लहरियाँ बजाते। अच्छा, मैं मेरे को आपकी वो ध्वनि याद आ रही है जो आपने बहुत जो फेमस बहुत अच्छी बजाते हो, वो थोड़ा हमें सुनाइए, धरती दोहरारी। बहुत सुंदर ध्वनि बजाई आपने और मन कर रहा था कि सुनता ही रहूं। और अब मैं देखिए तगाराम जी, आपसे वो बात कुछ आपसे जानना चाहता हूं, जब विदेश यात्रा के दौरान आप देखिए आपकी भाषा अलग है, वहां की भाषा अलग है, तो आपने वहां जाके कुछ भाषाएं सीख भी ली होंगी, तो आप उनसे बातचीत करते थे, वो आपके संगीत के बारे में ज़्यादा जानना चाहते होंगे, तो उनको कैसे बताते थे, वो थोड़ा हमें बताइए। बस थोड़ा बहुत टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेते हैं, इतना अनपढ़ आदमी है हम, इतना लिखे पढ़े होते तो हम सोचते हैं कि लिखे पढ़े होते तो हम कई भाषाएं सीखते, लेकिन भाषाएं नहीं सीखी, लेकिन ये वो वहाँ के लोग जो मानते हैं वो संगीत की कोई भाषा होती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। जो जब संगीत बजता है ना तो अपने आप वो पहचान लेते हैं कि कौन सी भाषा में बज रहा है, इसकी कोई भाषा नहीं होती है, और बहुत ही लोग इंटरेस्ट इस संगीत से बहुत ही ज़्यादा कर पसंद करते हैं। वहाँ के जो हमारे दर्शक हैं और यहाँ के दर्शक, तो जो क्या फ़र्क आपको लगा वो थोड़ा बताइए।
बस फर्क इतना ही है कि वहाँ की जो वहाँ की कल्चर है वो थोड़ा अलग है, और अपना जो कल्चर है वो अपने लोग भी वहाँ कई लोग जाके बसे हुए हैं, तो अपना लोग तो कहीं भी बसेंगे तो अपना ही रहेंगे, वो तो भाषा वेशभूषा मतलब जो भी है भाषाएं सब वो जानते हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो भी अपने लोगों से मिलजुल के रहते हैं, तो उनको भी पता है कि वहाँ की राग क्या होती है, वहाँ का भारत का जो कल्चर क्या है, तो वो वहाँ के वो लोग भी उन लोगों को भी पता हो गया है। नहीं, आपको ऐसा लगा कि वो भी भारतीय संगीत को सीखना चाहते हैं, कुछ ऐसा अनुभव लगा आपको? भारतीय संगीत को बहुत लोग वहाँ के लोग बहुत अच्छा मानते हैं, और अच्छा शास्त्रीय संगीत को बहुत लोग सीखना चाहते हैं। शास्त्रीय संगीत है जो क्लासिकल है, फोक म्यूजिक है, जो भी है अपना राजस्थानी है, गुजराती है, जो भी अपनी भाषा है, काफ़ी जो वहाँ के बाहर के जो लोग हैं काफ़ी यहाँ की कला को सीखना चाहते हैं वो लोग। अच्छा, जो आपका अलगोजा जो यंत्र वाद्य यंत्र है, बहुत सारे संगत करते हो बहुत सारे वाद्य यंत्रों के साथ में, और जो यहाँ की जो लोक गायन शैली अपनी माड़, खासकर हम बात करें माड़ की, उसको भी एक शास्त्रीय संगीत का दर्जा प्राप्त है, तो उनके साथ इसका संबंध कैसे बिठाते हो, तालमेल जो होता है ना, तो कैसे बैठता है थोड़ा वो बताइए। जो क्लासिकल के बारे में, हाँ, मांड से आप जब तो मांड आप सुना सकते हो उस पर आप थोड़ा? जैसे मांड में भी एक वो भी आता है, जैसे मूमल का भी आता है, मूमल। अच्छा, चलिए मूमल सुना दीजिए। बहुत सुंदर तगाराम जी, और तगाराम जी हमको आप पे गर्व है कि आप देखिए भारतीय संस्कृति है जो, उसमें संगीत का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, और आपके जैसे कलाकार हमारी संस्कृति में जो हों और उसको आगे बढ़ा रहे हों, तो हम उन पे गर्व कर सकते हैं। एक भारतीय होने पर आपको कैसा महसूस होता है बताइए थोड़ा सा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ भारत के लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर सीखे ना तो अच्छा है। अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पर, बहुत सारे हमारे जैसलमेर के कलाकार जो विदेशी लोग आते हैं सीखने, उनके साथ उनके म्यूजिक के साथ जिसको हम फ्यूजन बोलते हैं, तो आप इसके पक्ष में हो या नहीं, आप थोड़ा सा बताइए। वो लोग काफ़ी कोशिश करते हैं, मैं अभी अमेरिका भी गया था तो वहाँ लोगों ने भी काफ़ी मेरे साथ संगत की, तो लोग अच्छा, उन लोगों को अच्छा इंटरेस्ट है कि भाई हम भी इनके साथ बजा के हम भी ऐसे अच्छे कलाकार बने हैं, लेकिन वो ऐसे वो भी उन लोगों की भी कला अच्छी है, लेकिन जो अपनी जो भारतीय संस्कृति की जो कला है ना उनको तो बहुत ही महत्वपूर्ण देते हैं वो लोग, जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उसका सम्मान और मान जाता है, उसका सम्मान मान्यता और बहुत ज़्यादा लोग वो कदर करते हैं। अब आपसे एक ऐसी धुन, जैसे कि हमारे जो फिल्मी जो धुने होती हैं, तो आपकी मनपसंद की कोई वो धुन आपको हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा वो सुनाइए।
बहुत अच्छा तगाराम जी, आपने इतनी मधुर धुनिया हमारे दर्शकों के लिए सुनाई और आपका हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में जानकारी। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर।